तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं YouTube से रिलेटेड एक और बड़ी प्रॉब्लम, एक और बड़ा काम जो आप लोग हम लोग क्रिएटर करते हैं और उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम में चले जाते हैं। ये प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है टेक्निकल सैयद अता। आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ इस तरीके से है, ये वीडियो है फेक सब्सक्राइबर्स के बारे में। ये फेक सब्सक्राइबर्स वो होते हैं जो हम अपने चैनल पर खुद देते हैं। जब आप अपने चैनल पर फेक सब्सक्राइबर्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, देते हैं, सेंड करते हैं, क्रिएट करते हैं, सब्सक्राइब करवाते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या नुकसान होते हैं। वहाँ पर नुकसान सबसे बड़ा ये होता है कि यूट्यूब हमारे चैनल को फ्रीज कर देता है। अब फ्रीज करता है किन किन चीज़ों पर फ्रीज करता है, हमारी रिकमेंडेशन पर। वीडियो रिकमेंडेशन नहीं जाती, हमारा वीडियो सर्च इंजन में नहीं आता, हमारा चैनल सर्च इंजन में नहीं आता। हम समझते हैं कि हमारे चैनल का, हमारी वीडियो का SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने चैनल पर कुछ गलतियाँ करते हैं जिसके बाद हमारा चैनल फ्रीज होता है। तो दोस्तों ये फेक सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल पर आते कैसे हैं? ये फेक सब्सक्राइबर्स हम खुद क्रिएट करते हैं और फिर खुद प्रॉब्लम में फंसते हैं। फेक सब्सक्राइबर्स क्रिएट करने का या सब्सक्राइब करवाने का तरीका ये होता है कि हम अपने चैनल को क्रिएट करके अपने घर के, फैमिली मेंबर्स के, फ्रेंड्स के, ग्रुप्स के, हर जगह पर वीडियो को शेयर करके, चैनल की हो या वीडियो की हो, हम शेयर करके वहाँ पर सब्सक्राइबर्स हासिल करते हैं। अब हमारे चैनल पर एक अच्छा खासा एवरेज आ जाता है सब्सक्राइबर्स का, लेकिन व्यूज़ के नाम पर कुछ नहीं होता, वॉच टाइम के नाम पर कुछ नहीं होता, हमारे पास एंगेजमेंट होती नहीं है चैनल की। हम फिर वीडियो को क्रिएट करते हैं, अपलोड करते हैं और फिर वीडियो पर क्या होता है कि व्यूज बिल्कुल ही डाउन हो जाते हैं, इंप्रेशन जो है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। आप सब फॉर सब करके सब्सक्राइबर्स को लेते हो या किसी और से सब्सक्राइब आपने खुद करवाया, वो आपकी वीडियो उसको देखता ही नहीं है, क्लिक ही नहीं करता, तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे चैनल की, न्यू चैनल के इंप्रेशन बहुत ही ज़्यादा गिर जाते हैं। फिर YouTube उस वीडियो को रिकमेंडेशन में, सर्च इंजन में या फिर किसी और जगह पर दिखाने के बजाय उस वीडियो को फ्रीज कर देता है। पहले वो वीडियो को फ्रीज करता है, फिर उसके बाद चैनल को फ्रीज करता है। तो इस तरीके से फेक सब्सक्राइबर्स हम खुद क्रिएट करते हैं और फिर खुद हम अपने चैनल पर वीडियोस को क्रिएट करते रहते हैं, लेकिन ना व्यूज आ रहे होते हैं, ना सब्सक्राइबर्स आ रहे होते हैं, ना वॉच टाइम आ रहा होता है। तो अगर आप भी ये गलती कर चुके हैं या की है अगर आपने गलती, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली अपनी वीडियो को कहीं शेयर नहीं करना है, आपको अपनी वीडियो पर एक रूटीन बनानी है। अगर आपने वीडियो की रूटीन नहीं बनाई है, वीडियो की रूटीन कैसे होगी कि अगर आपने अपने चैनल पर सब्सक्राइब करा है अपने घर में से, तो आपको रूटीन बनानी है कि जब आप वीडियो अपलोड करें तो मैं अपने घर से 5 व्यूज़ दूंगा या दूंगी और उस पर थोड़ा सा वॉच टाइम भी दूंगा हर वीडियो पर। तो इस तरीके से जब आप रूटीन बनाएंगे तो YouTube को लगेगा कि जेन्युइन तरीके से व्यूज़ या वॉच टाइम आना शुरू हुआ है। फिर उसके बाद भी YouTube वीडियो को रिकमेंडेशन में भेजना शुरू करेगा, फिर वहाँ से आपके पास वॉच टाइम या फिर सब्सक्राइबर जो है वो आना शुरू होंगे। कंटिन्यूसली आपको काम करना पड़ेगा और इस तरीके से वॉच टाइम और व्यूज़ देने पड़ेंगे अगर आपका चैनल फ्रीज हो गया है। और अगर आप एक अपना नया चैनल क्रिएट कर रहे हैं या क्रिएट कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अगर अपने सब्सक्राइबर देने हैं वीडियो पर या चैनल पर व्यूज़ देने, तो क्या करना है, आपको एक रूटीन बनानी है। अब आपने एक चैनल क्रिएट किया है, 0 सब्सक्राइबर्स हैं, 0 व्यूज़ हैं, कुछ नहीं है आपके चैनल पर। अब आपको क्या करना है, जब आपने एक वीडियो अपनी अपलोड करनी है, वीडियो अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने चैनल पर जाकर वीडियो को देखना है, फिर पूरी वीडियो को देखने के बाद लाइक करना है, कमेंट करना है, फिर एक सब्सक्राइब करना है। अब एक दिन में अगर आपने 2 सब्सक्राइब किया है अपने चैनल को, तो उस दिन आप छोड़ दें पूरा दिन, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पर आप उधर सब्सक्राइब करें या फिर आप उस पर वॉच टाइम दें। इस तरीके से जब आप रूटीन बनाएंगे, अगर आप शेयर करते हैं तो शेयर भी आप 5 लोगों को एक दिन कर दें एक वीडियो को, फिर दूसरे दिन 5 लोगों को वो वीडियो शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई, उम्मीद करता हूँ ये पूरी प्रॉब्लम समझ आई। अगर वीडियो पसंद आई, बात समझ आई, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट कर दें अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज़।